चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूँ जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्विक एग्जॉस्ट वाल्व ऑपरेशन, यानी कि क्विक एग्जॉस्ट वाल्व कैसे ऑपरेट होता है, इसके इंटरनल कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उसका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले यानी कि प्रीवियस वीडियो में जब हम लोग एयर ब्लास्टर का डिस्कस कर रहे थे, एयर ब्लास्टर का ऑपरेशन के बारे में, तो उसमें देखे थे कि हमारा एक क्विक एग्जॉस्ट वाल्व का यूज हो रहा था, तो उसमें हम लोग उसका ऑपरेशन नहीं समझे थे। तो इस वीडियो में वो जो क्विक एग्जॉस्ट वाल्व है वो कैसे ऑपरेट होता है और कैसे उसका फंक्शन है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग क्विक एग्जॉस्ट वाल्व के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम की मदद से अच्छे से डिटेल से समझने वाले हैं कि ये कैसे ऑपरेट होता है, यानी कि इसके इंटरनल कैसे ऑपरेशन होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझते हैं कि क्विक एग्जॉस्ट वाल्व का मतलब क्या है। तो देखिए, क्विक का मतलब होता है बहुत ही तेजी से, यानी कि बहुत ही फास्ट मैनर में, है ना। एग्जॉस्ट वाल्व का मतलब क्या हो गया, यह एक ऐसा वाल्व है जो कि क्विकली किसी चीज़ को एग्जॉस्ट करता है। तो ये किस चीज़ को एग्जॉस्ट करता है, तो देखिए, ये जो हमारा वाल्व है वो मेनली न्यूमेटिक सिस्टम में लगाया जाता है। ये कहीं भी हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम में नहीं आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे भी देखने को मिलेगा वो हमारा न्यूमेटिक सिस्टम में देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे एयर ब्लास्टर, वहाँ पे भी आप देखे थे कि हमारा इनलेट साइड में हमारा एक क्विक एग्जॉस्ट वाल्व लगा रहता है और क्विक एग्जॉस्ट वाल्व कुछ हमारा ऐसे अपीयर होता है। तो जब हमारा एयर हमारा क्विक एग्जॉस्ट वाल्व में एंटर करता है और इधर क्या है, हमारा एयर ब्लास्टर है, मान लीजिए एयर ब्लास्टर है, तो यहाँ से हमारा एयर जाएगा, ब्लास्टर फिल होगा और उसके बाद जब फिल हो जाएगा, जैसे ही हम लोग बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से एयर कट हो जाता है और इस लाइन से, यानी कि ब्लास्टर के पीछे साइड से जो लाइन से जो एयर होगा वो यहाँ से हमारा एटमोसफियर में निकल जाता है। तो ये कैसे इतना क्विकली करता है, जैसे हम लोग बटन प्रेस करेंगे तो ये कैसे ऑपरेट होगा, इसी को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा क्विक एग्जॉस्ट वाल्व है, ये मतलब कि न्यूमेटिक सिस्टम में ही लगाया जाता है। जैसे कि हमारा एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे हमारा पावर सिलेंडर है, यानी कि जो हमारा न्यूमेटिक ऑपरेटेड सिलेंडर है वहाँ पे भी लगाया जाता है। न्यूमेटिक ऑपरेटेड सिलेंडर में इसलिए लगाया जाता है कि हमारा जो पिस्टन है या हमारा कोई भी वाल्व जो है उसको ओपन करना जो होता है वो धीरे धीरे हम लोग ओपन करते हैं, लेकिन कोई वाल्व ऐसा रहता है जिसको हमको क्विकली बंद करना होता है, है ना। तो उस जगह पे हम लोग ये जो क्विक एग्जॉस्ट वाल्व है वो लगा देते हैं कि जैसे ही हम लोग क्लोज देंगे तो हमारा जो पीछे साइड पिस्टन के पीछे साइड जो भी एयर है ना वो बहुत ही फास्ट मैनर में निकल जाए। तो वो ये जो वाल्व है वो वैसा ऑपरेट करता है। तो ये क्विक एग्जॉस्ट वाल्व कैसे ऑपरेट होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो इंटरनल ऑपरेशन समझने के लिए दो डायग्राम बना रखा है जिसको हम लोग अभी समझते हैं। तो देखिए, ये हमारा पहला डायग्राम है जिसमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा एक इनलेट पोर्ट है, यहाँ से हमारा कंप्रेस्ड एयर जो है वो इनलेट होता है, ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या होता है, चला जाता है जिस सिस्टम को भी देना है वहाँ पे चला जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एयर ब्लास्टर का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये एयर ब्लास्टर के अंदर चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये है हमारा एक डायफ्राम, इसको बोलते हैं, या इसको रबर सील भी बोलते हैं। ये हमारा रबर का बना हुआ रहता है और इसका काम है केवल हमारा एक पोर्ट को सील करना। जैसे कि हमारा कंप्रेस्ड एयर जैसे इधर आया तो इस पे हमारा क्या है, एयर का प्रेशर लगेगा, तो ये क्या होगा, इस पोर्ट को जो है वो बंद कर देता है। और ये जो पोर्ट है वो कौन सा पोर्ट है, तो ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, ठीक है। अभी हमारा जो कंप्रेस्ड एयर है वो आएगा यहाँ पे और इधर सिलेंडर को फिल करेगा, और जैसे ही हमारा सिलेंडर फिल हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि हमारा जो एयर ब्लास्टर है वो पूरा अच्छे तरह से फिल हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे, एयर ब्लास्टर मारने के लिए हम लोग बटन प्रेस करते हैं। तो जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है,
तो जैसे ही हम लोग बटन प्रेस करते हैं तो ये जो एयर इनलेट हो रहा है इसका थोड़ा सा कट हो जाता है, और जैसे ही कट होगा तो अभी देखिए ये जो डायफ्राम है वो पीछे की तरफ आता है। वो कैसे आता है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए जैसे ही हम लोग बटन प्रेस किए तो यहाँ से हमारा जो कंप्रेस्ड एयर आ रहा था वो अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ से यहाँ पे क्या है हमारा पावर, मतलब कि एयर ब्लास्टर मान लीजिए है या पावर सिलेंडर मान लीजिए, तो इसका जो भी एडजस्ट होगा या जो यहाँ पे मान लीजिए इस लाइन में जो भी हमारा प्रेशर होगा वो क्या होगा इधर आएगा। तो इधर जैसे ही हमारा प्रेशर आएगा तो ये क्या करेगा एयर इसको पीछे की तरफ धक्का देगा, तो ये जो हमारा डायफ्राम है वो पीछे की तरफ आएगा और देखिए यहाँ पे आके सील कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पे अब कोई भी एयर जाने वाला नहीं है। तो अभी हमारा जो पोर्ट ओपन है वो कौन सा है, तो एक तो हमारा एयर ब्लास्टर वाला ओपन है और दूसरा हमारा एग्जॉस्ट वाला ओपन है। यानी कि जैसे ही हम लोग बटन प्रेस करेंगे तो हमारा जो इस लाइन में प्रेशर होगा एयर का वो क्या होगा यहाँ से आएगा और एटमोसफियर में निकल जाएगा। यानी कि इनिशियल में हमारा जो कंप्रेस्ड एयर है वो आएगा और एग्जॉस्ट पोर्ट को बंद किया रहेगा ये डायफ्राम, और हमारा एयर जो है वो जो भी पावर सिलेंडर आप बोल सकते हैं या जो हमारा एयर ब्लास्टर है उसको फिल करता रहेगा। जैसे ही हम लोग बटन प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा डायफ्राम थोड़ा सा पीछे आ जाएगा और ये जो हमारा इनलेट पोर्ट है या जो कंप्रेस्ड एयर इनलेट करवा रहे हैं उस पोर्ट को बंद कर देगा, और हमारा जो जो ब्लास्टर में एयर जा रहा था वो पोर्ट खुल जाएगा और हमारा ये जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो खुल जाएगा और यहाँ से एयर जो है वो हमारा टोटली एग्जॉस्ट होगा। यानी कि दोनों कंडीशन में हमारा जो एयर ब्लास्टर में या जो पावर सिलेंडर में जा रहा था वो पोर्ट हमारा खुला है, बस हमारा जो ऑपरेशन हो रहा है जब हम लोग एयर फिल करेंगे तो हमारा इनलेट पोर्ट खुला रहेगा और जब हमारा बटन प्रेस कर देंगे तो एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाएगा। तो ये जो भी ऑपरेशन होता है इस डायफ्राम की कमाल है और इसी की वजह से ये ऑपरेट होता है। उम्मीद करता हूँ कि क्विक एग्जॉस्ट वाल्व कैसे ऑपरेट होता है इसके इंटरनल आपको देख के समझ में आ गया होगा। तो ये था एक बहुत ही छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।